तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरा क्यू एन ए वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांग देता हूँ कि कल हमारा वीडियो नहीं आ सका। कल संडे का दिन हमारा वीडियो आता था, क्यू एन ए वीडियो, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश नहीं आ सका, जिस कारण आज मंडे है। तो आज ये हमारा क्यू एन ए वीडियो है, इसे मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, बिना किसी देरी के आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए, आपका भी सवाल अगर आपने पूछा है तो आपका भी यहाँ पर पिक हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है पूछा आतिफ अहमद, ये पूछते हैं भाई 4200 ई ऑक्शन में कौन कौन से चैनल आएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एमपेक टू सेट बॉक्स में यहाँ पर 8 स्लॉट आपके लिखा लिए हुए हैं। तो उन्हीं 8वें स्लॉट में यहाँ पर 8 चैनल आपके लिए लॉन्च होंगे, जिनमें यहाँ पर रिश्ते सिनेप्लेक्स, जहाँ दोस्तों रिश्ते सिनेप्लेक्स दोबारा यहाँ पर वापसी करने वाला है यहाँ पर 4200 ई ऑक्शन में। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर रही थी। यहाँ पर इसमें से एक चैनल ये हो जाता, बाकी मैंने बहुत सारे 7 चैनल के नाम आपको बताए थे, जैसे नवग्रह टीवी, फूड मूवी टीवी, यहाँ पर रंगीन टीवी, या बहुत सारे चैनल के मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो पिछली वीडियो जरूर से देख देंगे। हाँ, मैं कन्फर्म कर दूँ यहाँ पर रिश्ते सिनेप्लेक्स आने वाला है। बढ़ते हैं फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन किए। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है मिर्जा जावेद ने, तो ये पूछते हैं पोगो चैनल को डीडी फीड इसमें कैसे चला। तो भाई, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, पोगो एक पेड चैनल जो कि कार्टून का चैनल है, ये हमारे डीडी फीड इसमें नहीं चल सकता, क्योंकि ये पेड है। जब तक ये फ्री टू मोड में नहीं आएगा तब तक अब इसे डीडी फीड इसमें नहीं चला सकते। आपको इलीगल तरीका से चला सकते हैं, लेकिन आप लीगल तरीका से ही चलाइए, क्योंकि लीगल तरीके से चलाएंगे तो आप पे कुछ आरोप भी लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए लीगल तरीका से आप चलाइए। बाकी रंगीन टीवी नाम का एक कार्टून चैनल आने वाला है 4200 सेक्शन में, वो भी यहाँ पर पोगो जैसा ही होने वाला है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है पर दीपक कुमार ने, तो ये पूछते हैं क्या कपिल शर्मा शो मनोरंजन गैन नामक जो चैनल जीएससी चैनल उसमें आएगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ वीडियो बता रहा हूँ, ये शो यहाँ पर आने वाला था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंफर्म लीक अभी तक नहीं आई है, क्योंकि सोनी इंडिया अभी तक अपने राइट्स किसी को बेचती है नहीं, वो सिर्फ सोनी पल को ही अपने राइट्स को बेचती है, जिस कारण मनोरंजन गैन अगर उसे खरीदना चाहे तो काफ़ी से दिक्कत होगी। तो यानी अगर आने वाले समय देखा जाए तो हो सकता है, पर लेकिन अभी तक कन्फर्म लीक नहीं आई है कि कपिल शर्मा शो यहाँ पर मनोरंजन गैन में स्टार्ट होने वाला। अपने बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यह नहीं पूछा, यहाँ पर रेडमी फ़ोन जो कि एक चैनल है, तो यहाँ पर ये हमें बोलते हैं बहुत ही अच्छा आपका यूट्यूब चैनल है, तो थैंक यू, आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपको अच्छी अच्छी अपडेट देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अपने बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पूछा आकाश सिंह ने, तो ये पूछते हैं बिग गंगा बायोस्कोप नाम का जो चैनल है, भोजपुरी चैनल, ये कब लॉन्च होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, यहाँ पर बिग गंगा बायोस्कोप नाम का एक चैनल लॉन्च होने वाला है, जो कि भोजपुरी मूवी का चैनल है, जो कि बी फॉर यू भोजपुरी जो कि फिल्मों का चैनल है उसको टक्कर देने के लिए डीडी फीड में लॉन्च किया जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, और जल्द जैसे ही लॉन्च हो गया डीडी फीड में आ जाएगा। कभी कंफर्म डेट अभी आई नहीं है, ये दिसंबर तक यहाँ पर आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा हमसे पूछा गया है फ्रेंड, बार बार मुझे कमेंट कर पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर राफिक अली द्वारा कि 42वां ई ऑक्शन 25 तारीख को होगा कि नहीं, ये कहते हैं कि 25 अक्टूबर को 42वां ऑक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज 21 तारीख, तो यहाँ पर 4 दिन बाद ही कहा जा रहा है कि 42वां ऑक्शन होगा, लेकिन दोस्तों प्रसार भारती की तरफ से कोई भी लीक नहीं आया कि इतने जल्दी ऑक्शन होगा। तो आपको कोई यूट्यूबर को बताया था तो ये बिल्कुल फेक है, अभी तक 42वां ऑक्शन की कोई कन्फर्म डेट यहाँ पर तय नहीं हुई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नवंबर दिसंबर तक आपके लिए 42वां ऑक्शन हो जाएगा, ये कन्फर्म है। प्रसार भारती इसके लिए लगातार तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कन्फर्म डेट नहीं आई। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई कन्फर्म डेट नहीं आई, क्यों नहीं आई, तो क्योंकि प्रसार भारती के ऊपर ही निर्भर है कि वो कब कराए, हम कुछ इसमें नहीं कर सकते। इसलिए हम जब तक प्रसार भारती कोई लीक नहीं निकालेगा तब तक 4200 ई ऑक्शन नहीं होगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है प्रसार भारती की तरफ से, सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इतने सवाल मैंने पिक किया, अगर आपका कोई सवाल अगर मिस हो गया तो सॉरी उसके लिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगला संडे जो क्यों नहीं वीडियो आएगा उसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।